इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये बात अपने आप में थोड़ी आश्चर्यजनक और अफसोसनाक है कि आज के दौर के बहुत ही कम सिने प्रेमियों ने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के पॉपुलर कॉमेडियंस में से एक गोप का नाम सुना है। अरे साहब जरा टिकट तो दिखाइए। अरे भाई ये रेलवे का डब्बा है, डाखाना नहीं, टिकट के लिए डाखाना जाऊं। हालांकि गोप साहब पर फिल्माया गया 1949 के फिल्म पतंगा का गीत मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, आज भी उतना ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय है जितना कि हमेशा रहा है। हज लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है। गोप को भले ही आज के दौर में भुला दिया गया हो, लेकिन 40 और 50 के दौर में वो भारत के स्टार कॉमेडियन थे। वो इसलिए कि सुना है कि चांद और सितारों में भी आबादी है, कभी ना कभी वहां के चक्कर आएगा। किस्सा टीवी पर आज गुजरे जमाने के कॉमेडियन गोप की कहानी कही जाएगी और कॉमेडियन गोप की ये कहानी आपको पसंद आएगी, इसका हमें पूरा यकीन है। गोप साहब का जन्म 11 अप्रैल 1913 को सिंध के हैदराबाद में रहने वाले एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। अब ये इलाका पाकिस्तान में पड़ता है। गोप साहब का पूरा नाम गोप विशनदास कमलानी था। ये 7 भाई बहन थे, 3 बहनें और 4 भाई। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में एक ऑडिट ऑफिसर थे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। हालांकि गोप साहब को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गोप साहब मैट्रिक में फेल भी हो गए थे। स्कूल के दिनों में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा गोप साहब स्पोर्ट्स और ड्रामेटिक्स में ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। यही वजह है कि जब एक दिन उस जमाने के नामी लेखक KS दरियानी ने गोप साहब को एक दिन स्टेज पर एक नाटक में एक्टिंग करते देखा तो वो इनकी प्रतिभा के कायल हो गए। KS दरियानी उसी दिन गोप साहब से मिले और उन्हें इंसान या शैतान नाम की फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। वो फिल्म ईस्टर आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही थी और उस फिल्म को मोती गिडवानी डायरेक्ट कर रहे थे। गोप साहब ने भी बिना देर किए KS दरियानी का वो ऑफर स्वीकार कर लिया और इस तरह साल 1933 में आई फिल्म इंसान या शैतान से एक छोटे से रोल के साथ गोप साहब का फिल्मी सफर शुरू हो गया। उस फिल्म में नरगिस दत्त की मां जद्दनबाई भी एक्टिंग कर रही थी। गोप साहब ने अपने करियर में 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वो एक शानदार एक्टर थे और कॉमिक किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ निभाते थे। 50 के दशक में गोप साहब को साथ मिला उस दौर के एक और धांसू कॉमेडियन याकूब का। इन दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में जबरदस्त कॉमेडी की। लोगों ने गोप और याकूब की जोड़ी को भारत का लॉरेल और हार्डी कहना शुरू कर दिया। पहली दफा गोप और याकूब की जोड़ी साथ नजर आई सन 1949 में आई फिल्म पतंगा में। पतंगा ही वो फिल्म थी जिसमें गोप साहब और निगार सुल्ताना पर एक ऐतिहासिक गीत फिल्माया गया था जिसके बोल थे मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। यकीनन आपने भी ये गीत खूब सुना होगा। गोप और याकूब की जोड़ी की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है 1950 में आई बेकसूर। इस फिल्म में अजीत खान और मधुबाला मुख्य भूमिकाओं में थे। गोप साहब के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने बाजार, भाई बहन, अनमोल रतन, तराना, सजा, सनम और चोरी चोरी जैसी बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में काम किया और अपने हुनर का लोहा मनवाया। गोप साहब की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने एंग्लो नेपाली एक्ट्रेस लतिका से लव मैरिज की थी। गोप और लतिका ने 5 नवंबर 1949 को शादी की थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि गोप और लतिका का एक बेटा था, जबकि कुछ का कहना है कि इनके 2 बेटे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि लतिका ईसाई थी तो गोप ने भी उनसे शादी करने के बाद ईसाई धर्म अपना लिया था।
सच क्या है ये हम भी नहीं जानते। अपने करियर के एक दौर में गोप साहब ने नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर्स भी प्ले किए थे, हालांकि उनके निभाए नेगेटिव कैरेक्टर्स में कॉमिक टच भी हुआ करता था। दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर तराना में गोप ने एक कॉमिक टच वाला नेगेटिव रोल ही निभाया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब गोप साहब ने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया था। अपने छोटे भाई राम कमलानी के साथ मिलकर गोप साहब ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया था। अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में गोप साहब ने हंगामा और मालकिन नाम की दो फिल्में भी प्रोड्यूस की थी, जिनका डायरेक्शन इनके भाई राम कमलानी ने ही किया था। हालांकि फिल्म निर्माण में गोप और उनके भाई को सफलता नहीं मिल पाई थी। गोप साहब का जीवन और उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसी मनहूस और हैरान कर देने वाली खबर आई जिसने देश भर के सिने प्रेमियों के दिल तोड़ दिए। गोप साहब तीसरी गली नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म में इनका एक सीन था जिसमें इन्हें हार्ट अटैक आता है और ये कहते हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे ही गोप साहब ने ये डायलॉग बोला और वो जमीन पर गिरे, शूटिंग स्थल पर मौजूद हर किसी ने गोप के लिए तालियां बजाई। लेकिन काफी देर तक जब गोप साहब नहीं उठे तो उन्हें उठाने की कोशिश की गई, मगर तब तक गोप साहब इस दुनिया से जा चुके थे। वो फिल्मी सीन उनकी जिंदगी का असल किस्सा बन गया। उस दिन गोप साहब को सच में एक तेज हार्ट अटैक आ गया और साल 1957 में गोप साहब की मौत हो गई। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी मौत किसी और कलाकार को मिली हो जैसी गोप साहब को मिली थी। गोप साहब की मौत की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी थी। उनकी मौत के कुछ समय बाद उनकी पत्नी लतिका अपने बेटे के साथ लंदन शिफ्ट हो गई थी। गोप साहब की कुछ फिल्में उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज हुई थी और तीसरी गली नाम की जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान गोप साहब की मौत हुई थी वो सन 1958 में रिलीज हुई थी, यानी गोप साहब की मौत के ठीक एक साल बाद।